घटना की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और हम और जो इस तरह के भक्षक हैं इस घटना में सम्मिलित हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये फांसी के फंदे 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 तक जाना चाहिए। एक बार फिर से हमारा समाज शर्मसार हुआ, ये कोई पहली बार नहीं, हम लड़कियों के साथ बार बार हुआ। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से बस यही मांग करना चाहती हूँ कि श्रेया के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर हम अपनी बहन बेटियों को बचपन से ही सही शिक्षा दें कि क्या सही और क्या गलत है, तो हमारी बहन बेटियां इस बुरे काम से पीछे रहेंगी और बची रहेंगी और उन्हें पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि लड़कियां अपने आप में खुद एक बाउंड्रीज क्रिएट करें जिससे कि बुरी चीज़ें उनसे दूर रहें। घटना पूर्ण रूप से प्रथम जैसे आप देखने से अब कन्फर्म हो जा रहा है कि यह तेजाब हत्याकांड है और प्रशासन इस तेजाब हत्याकांड को पूर्ण रूप से तबाह कर करके आत्महत्या या हत्या के रूप में बदलना चाह रही है। रमेश चौक पर औरंगाबाद शहर की महिलाओं ने श्रेया की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च किया। कैंडल मार्च के बाद महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। आइए आगे सुनते हैं सभी महिलाओं ने क्या कुछ कहा। मैं श्रेया औरंगाबाद बिहार से आप सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैटर जो भी रहा हो, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि कुछ भी मैटर है, तो जो भी मैटर रहा हो, मेरा यही सारी महिलाओं से सारे लोगों से यही कहना है कि नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी बहन बेटियों को बचपन से ही सही शिक्षा दें कि क्या सही और क्या गलत है, तो हमारी बहन बेटियाँ इस बुरे काम से पीछे रहेंगी और बची रहेंगी और उन्हें पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि लड़कियां अपने आप में खुद एक बाउंड्रीज क्रिएट करें जिससे कि बुरी चीज़ें उनसे दूर रहें, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो या किसी भी तरीके का कोई भी मामला हो, तो शिक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है कि अपनी बहन बेटी को जितना हो सके इस मैटर में, चाहे वो किताबी ज्ञान हो, चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, हर ज्ञान से उन्हें अवगत करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह भगवान भास्कर की नगरी में मगध की धरती पर एक अचानक इस तरह से हृदय विदारक घटना घटी है कि मानवता को पूरी तरह से द्रवित कर देने वाली घटना है। हमने एक व्यक्तिगत घर की बहन को नहीं खोया है, आज मैंने पूरे पूरे समाज की बेटी को खोया है। पहले हम अपनी बहन श्रेया के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं जिला प्रशासन से या राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि इस घटना का निष्पक्ष रूप से जाँच हो, क्योंकि यह घटना एक ऐसा घटना है कि पूरे समाज को कलंकित करने वाला घटना है। यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आने वाले समय में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और हम और जो इस तरह के भक्षक हैं इस घटना में सम्मिलित हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये फांसी के फंदे 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 तक जाना चाहिए। और मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी अभिभावकों से कि अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाएँ, कि आप बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन उनको खुद में सवाल भी बनाए कि अगर इस तरह का मामला आता है तो बेटियां डंके की चोट पर वैसे दरिंदों का सामना कर सके, तभी हम समाज में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं, तभी हम भारत को फिर से विश्व पटल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, कहा जाता है कि भारत नारियों से सृष्टि का निर्माण होता है और फिर तभी हम इस समाज से एक नया उत्थान कर सकते हैं। और मैं तमाम ऐसे नारियों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ और वैसे दरिंदों के खिलाफ मैं मांग राज्य सरकार जिला प्रशासन से पुनः करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये एक हर्ष का विषय आज बना है कि आज प्रशासन के तरफ से वैसे तीन लोगों के संदेह के नरेतियों पर हिरासत में लिया गया है और यह तब जाकर यह जांच सफल होगी जो इसमें सही रूप से दरिंदा शामिल हो, दरिंदा का फांसी के फंदे पर लटकेगा, तब जाकर यह हम लोगों का संघर्ष सफल होगा। जिलाध्यक्ष बोल रही हूँ, जो भी ये दुष्कर्म हुआ है श्रेया के साथ ये बहुत ही निंदनीय है और बार बार घटना होती रहती है जिला में, पूरे शहर में, पूरे देश में, लेकिन इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। जैसे श्रेया ने बताया कि महिलाओं को शिक्षित करना है, लड़कियों को हर एक वर्ग में आगे करना है, लेकिन दरिद्रता इतनी बढ़ गई है कि इतनी छोटी लड़की कैसे अपने आप को बचाव कर सकती थी। तो इस पे हम लोग प्रशासन से ही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी दुष्कर्म ऐसा किया है उनको दंडित किया जाए और जैसे भाई साहब ने बोला कि फांसी दिया जाए, जैसे दुष्कर्म हुआ है फांसी भी
सजा उस दुष्ट के लिए कम है। मैं एक बार फिर से हमारा समाज शर्मसार हुआ, ये कोई पहली बार नहीं, हम लड़कियों के साथ बार बार हुआ। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से बस यही मांग करना चाहती हूँ कि श्रेया के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। खैर, ये सारी जितने भी सजाएं हैं ये उन दरिंदों के लिए काफ़ी कम होगी, क्योंकि जिस प्रकार से इस लड़की को मारा गया है, लिटरली इट्स अ वेरी बिग थिंग्स फॉर अस। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सब लड़कियों को मना करते हैं कि घर से मत निकलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। जिस दिन अपने बेटे को मना करना स्टार्ट कर देंगे, हमको नहीं लगता है उस दिन ये सब कांड होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटी कैसे सुरक्षित रह सकती है? ऐसे दरिंदे लोग जब घूम रहे हैं शहर में तो कैसे हमारी बेटी सुरक्षित रह सकती है, कैसे बढ़ सकता है हमारी बेटी? तो मैं चाहती कि मेरा श्रेय मेरी देश की बेटी को इंसाफ मिले, और अगर उसे फांसी की भी सज़ा होता है उस दरिंदे को तो तब भी कम है। उसे श्रेय दूसरे की बेटी नहीं, हम सब की बेटी थी, बिहार की बेटी थी। आज उस श्रेया के साथ हो रहा है, कल हमारी बेटियों के साथ होगा, इसलिए न्याय जरूरी है। हम लोग अपनी बेटी को सुरक्षित कैसे मानेंगे? कल स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, कोचिंग जाती है, तो दिमाग बच्चे लोग पर ही रहता है, इसलिए हम लोग को न्याय चाहिए। घटना पूर्ण रूप से प्रथम दृष्टि देखने से कन्फर्म हो जा रहा है कि यह तेजाब हत्याकांड है, और प्रशासन इस तेजाब हत्याकांड को पूर्ण रूप से तबाह कर करके आत्महत्या या हत्या के रूप में बदलना चाह रही है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि अविलंब दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, और तेजाब हत्याकांड में शामिल जितने भी लोग हैं सभी लोगों को सलाखों के अंदर पहुँचाया जाए, दोषियों को फांसी दी जाए। प्रशासन इसमें लिपापोती करने के चक्कर में लगी हुई है, ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि श्रेय के परिवार के साथ बिहार का पूरा राजपूत परिवार खड़ा है, पूरा अन्य समाज खड़ा है। इसलिए इस प्रकार की जो उसको गलती नहीं होने देंगे। प्रशासन कान खोल करके सुन ले, यह सजा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। हम कहना चाहते हैं आज उनके परिवार से मिले, जाकर के उनके गांव में मिलने के बाद वहां के ग्रामीण और परिवारों का ये आरोप था प्रशासन पर कि इस केस की लेपापोती हो रही है, आप लोग इसके लिए संघर्ष करें। तो आज हम लोगों ने यहां पे मिलने के बाद वहां से भी मांग की है कि इसकी या तो CBI की जांच कराओ या निष्पक्ष जांच करो, लेकिन दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाओ। ये बच्चियों के सुरक्षा का मामला है, हर घर की बच्ची या पुलिस प्रशासन के लोग हो चाहे जो भी हो, आज शिक्षा के बगैर उनके जीवन में कुछ नहीं है। अगर वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं जाती हैं तो उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर प्रोटेक्शन पे बिल्कुल प्रशासन अगर इस तरह लापरवाह बना रहा है तो किस घर की बच्चियां कैसे निकलेंगी? उनके उनके जीवन उनके भविष्य का मामला है। अतः दोषियों पे इतनी कड़ी कार्रवाई करो कि आगे कोई हिम्मत ना कर सके। प्रशासन ने कल ही 24 घंटे का टाइम लिया था कि 24 घंटे के अंदर हम इस मामले का खुलासा करेंगे, अभी तक 24 घंटे के अंदर जो खुलासा होना था अभी तक प्रशासन सोया हुआ है, बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। और लिपापोती का मामला है, चूँकि इसमें एसिड अटैक का प्रथम दृष्टया उसकी तस्वीर देखने के बाद ही आ रहा है कि ये इसमें एसिड का प्रयोग किया गया है, एसिड अटैक का मामला है। पूरी तरह से हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जांच करके, और ये सारी जो बच्चियां आई हैं इन सबको अपनी सुरक्षा की चिंता है। अतः प्रशासन से आग्रह है कि जितना जल्दी हो इस एथी का खुलासा करो और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाओ।